कोरोना संक्रमण के चलते देशभर में लॉकडाउन का पांचवा फेज शुरू हो गया है। लॉकडाउन 5.0 के शुरुआती दिन जयपुर रेलवे स्टेशन से पहले यात्री ट्रेन जोधपुर के लिए रवाना हुई, जिसमें जयपुर जंक्शन से जोधपुर के लिए करीब 200 से अधिक यात्री सवार हुए। इस दौरान रेल मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के तहत सभी यात्रियों की जांच पहले करवाई गई। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी रेलवे में 10 ट्रेन फिलहाल चलाई जाएंगी। वहां पर देश भर में आज से करीब 200 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, तो ट्रेनों की समय अवधि में कोई फेरबदल फिलहाल नहीं किया गया। ट्रेन जो है अपने पुरानी समय अवधि पर ही स्टेशन पर चलेंगी। लॉकडाउन फेज 5 का आज पहला दिन है। इसी के साथ साथ रेल मंत्रालय ने जो सौगात दी है लोगों को 200 स्पेशल ट्रेन की, उसकी भी आज से शुरुआत कर दी गई है। यदि बात करी जाए तो रेल मंत्रालय ने जो कुछ नियम और शर्तें रखी थी, उसी के तहत इन सभी स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी ट्रेनों में जो यात्री होंगे वो आरक्षित टिकट के साथ ही यात्रा कर पाएंगे। साथ ही साथ हालांकि वेटिंग और आरएसी को भी इस बार लोगों को चढ़ने का मौका दिया जाएगा। जो अनारक्षित लोग हैं उनको हालांकि ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग बीमार हैं, जिनको कुछ बीमारियां रही हैं या जो क्वारंटाइन रहे हैं या मेडिकल विभाग द्वारा जिनको अनफिट किया गया है, उन सभी को इस बार यात्रा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि यदि बात करी जाए तो करीब 1 जून से 30 जून तक 26 लाख टिकटें बुक करी गई हैं, जिसमें से आज पहले दिन करीब 1.5 लाख यात्री यात्रा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर राजधानी जयपुर की बात करी जाए तो सुबह 6 बजे जयपुर से जोधपुर के लिए जो ट्रेन गई है उसमें करीब 227 यात्री सवार हुए थे, जो जोधपुर अब पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय द्वारा जो सौगात दी गई है उसका लोग पूरी तरह से लुत्फ़ उठाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यात्रियों को जो नियम शर्तें हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि नियम शर्तों पर आप खरा नहीं उतरते हैं तो रेल आपको अभी भी यात्रा करने नहीं देगा। मैं कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ ऋषभ पांडे, A1 TV न्यूज़, जयपुर।